इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम में वाणी देवदूत, प्रणम में गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान पर भावना हो हर घर, सभी प्रणम में वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम में वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम में सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से हम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984789810843757 9810436940। अरहम नमः। अरहम 40 के 9वें दिन में आप सभी का स्वागत है। आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम श्री प्रणम में सागर जी महाराज की जय। आज हम उस क्षण का अनुभव करेंगे जब अरहम श्री ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला से अपनी आज़ादी का ऐलान किया था। मन की आज़ादी, विचारों की आज़ादी और स्वयं में स्वयं को खोजने की विधा बताई थी। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार की पोजीशन में रखते हुए बिल्कुल जैसे प्रभु बैठते हैं, भगवान बैठते हैं, वैसे हम बैठे हैं, क्योंकि आज हमें भगवान बनना है। अरहम का मतलब होता है शुद्ध सिद्ध आत्मा, वह प्रभु, वह परमात्मा जो हर तरीके से प्योर है। आज हमें भी उसी प्योरिटी की ओर चलना है। अपने चेहरे पर अपना ध्यान लाएं, गर्दन सीधी रखें, दोनों हाथों को इसी मुद्रा में बनाए रखें थोड़ी देर के लिए। आपको हम बताएंगे कब आपको ये हाथ हटाना है। गहरी लंबी श्वास लें, गर्दन सीधी रखें, आँखों को अपनी नाक के अग्रभाग पर टिकाएं, अपनी दृष्टि को नासाग्र दृष्टि बनाएं। आपको अपनी नाक का अग्रभाग दिखना चाहिए। अपनी श्वास पर ध्यान दें, श्वास को बिल्कुल सहज बना करके रखें, न ज़्यादा खींचेंगे न ज़्यादा फेंकेंगे, सहज श्वास को सिर्फ देखें। ईमानदारी के साथ अपनी श्वास पर पूरा फोकस, फोकस ऑन अवर ब्रीदिंग। हम कायोत्सर्ग की स्थिति में पहुंचने वाले हैं। अपने अंदर हर आती जाती श्वास को बारीकी से देखें। कोई भी श्वास आपकी बिना इच्छा के न भीतर जाए न बाहर आए। अपने मन को अपने नाक के छिद्रों पर बिठा दें और श्वास को अच्छे ढंग से देखने की कोशिश करें। इस विचार के साथ, मैं शरीर नहीं हूँ,
मेरी काया मेरा शरीर मुझसे अलग है, मेरे दिमाग में आने वाले विचार भी मुझसे अलग हैं, मेरे मन में उत्पन्न होने वाले क्षणिक आवेग भी मुझसे अलग हैं, आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट माइंड, आई एम नॉट इमोशन। इस विचार के साथ अपनी श्वास को गिनने की कोशिश करेंगे, जो श्वास हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसको एक श्वास उच्छ्वास गिनना है। 54 टाइम्स हम अपनी श्वास को गिनेंगे पेशेंस के साथ। अपने धैर्य को बनाए रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे, थोड़ी सी भी कोई भी धूप आदि की बाधा से अपने आप को परेशान नहीं करेंगे, सहन करने की कोशिश करेंगे। यह शरीर मेरा नहीं, ये विचार, ये मन, ये मस्तिष्क, ये मैं नहीं। इस पूरे शरीर के अंदर फैली हुई जो चेतना है, जो सिर्फ जानने और देखने का काम कर रही है, मैं वही चेतना हूँ, वही आत्मा हूँ। अपने भीतर रियलाइज करेंगे केवल हमारे अंदर एक ही चीज चल रही है, एक्ट ऑफ नोइंग एंड एक्ट ऑफ सीइंग। हम सिर्फ जान रहे हैं, देख रहे हैं। मेरी चेतना इस जगत के समस्त प्राणियों की चेतना एक समान है, किंचित भी कोई अंतर किसी भी चेतना में नहीं है। जितना हम अपने शरीर से अपनी दूरी बनाएंगे, उतना ही हमारे शरीर के अंदर स्वस्थता आएगी। ग्रहण की हुई सांस पूरे शरीर के अंदर पहुंचेगी, अपनी काय को छोड़ दें, अपनी काय से ममत्व भाव को हटा दें। ये शरीर मेरा नहीं, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ। एक गहरी लंबी श्वास लें। अपने शक्ति केंद्र पर वह श्वास पहुंचे, शक्ति केंद्र को श्वास के साथ प्रेशराइज करें। पूरा ध्यान अपने शक्ति केंद्र पर, श्वास पर रखें। श्वास जा रही है शक्ति केंद्र तक, नाभि तक, वह श्वास जाकर के हम उसे छोड़ रहे हैं।
अपना ध्यान अपने हृदय स्थान तक लाएं, आनंद केंद्र पर अपनी श्वास ले जाएं। हमारे हृदय स्थान में भरी हुई वह श्वास पूरे हृदय को स्वस्थ बना रही है। हमारे हार्ट में कोई ब्लॉकेज नहीं, कोई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं, ऐसी फीलिंग लाते हुए अपनी श्वास को अपने हृदय स्थान में भरकर उसे धीरे धीरे छोड़ें। अपने आनंद केंद्र को क्लीन करें। अपना ध्यान अपने तीसरे केंद्र पर लाएं, विशुद्धि केंद्र, कंठ स्थान। श्वास को उस कंठ स्थान पर ला करके छोड़ें। महसूस करें गहरी ठंडी सी श्वास। इस ऐतिहासिक स्थल पर एक आज़ादी की श्वास हम ले रहे हैं। कोई प्रकार की चिंता नहीं, आज हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, अपने आनंद के लिए जी रहे हैं। दुनिया की आपाधापी से आज हम बहुत दूर हैं। श्वास का सेंसेशन आपके कंठ स्थान पर हो। एक गहरी लंबी श्वास लें। कितनी अच्छी हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। उसको अपने ज्ञान केंद्र तक पहुंचाएं। जहां हम टीका लगाते हैं उस ज्ञान केंद्र को एक्टिवेट करें। श्वास ले जाकर के वहां छोड़ दें। उस ज्ञान केंद्र को एनर्जाइज करें। और ऊपर की ओर चलें। अपने शरीर के सबसे ऊपरी स्थान टॉप पॉइंट पर अपनी श्वास को ले जा करके छोड़ें। अपने सिद्धि केंद्र को एक्टिवेट करें। आँख बंद रखें। जितना आप पेशेंस बना करके रखेंगे उतना ही आपको आनंद आएगा। पूरे शरीर के अंदर एक गहरी लंबी श्वास लेकर के पूरे शरीर को टाइट करें। पूरे शरीर को मुट्ठी बांध करके टाइट करें। गहरी लंबी श्वास लेकर और फिर उस श्वास को छोड़ दें। पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। पुनः एक बार गहरी लंबी श्वास लेकर पूरी बॉडी को टाइट करें। अच्छी मुट्ठी बनाकर और मुट्ठी खोल कर अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। पुनः एक बार करें। अपना ध्यान अपने फेस पर लाएं, चेहरे पर लाएं। अपनी श्वास को अपने मुंह के अंदर भरें और पूरे मुंह में घुमाएं। चेहरे को प्रसन्न बनाए रखते हुए किसी भी तरह का टेंशन आपके चेहरे की किसी भी मसल्स पर, किसी भी वेन पर नहीं होना चाहिए। पूरे मुंह में श्वास भरें, पूरे मुंह में हवा भरें और उस हवा को मुंह से छोड़ दें। स्माइल लाएं अपने चेहरे पर। महसूस करें
मैंने पूरा का पूरा टेंशन बॉडी का माइंड का सब कुछ रिलीज कर दिया है। आई एम सो मच हैप्पी। अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को बिल्कुल रिलैक्स महसूस कराएं। अपनी आँख के पास अपना पूरा मन, अपना पूरा ध्यान ले जाएं। अपनी स्पाइनल कॉर्ड पर अपना ध्यान ले जाएं। अपनी भुजाओं पर, आर्म्स पर अपना ध्यान ले जाएं। अपनी हथेलियों पर अपना ध्यान ले जाएं, महसूस करें। मैं इस शरीर को दूर से देखता हुआ, प्रेम से देखता हुआ इस शरीर को छोड़ रहा हूँ। जितना हम इस शरीर से ममत्व हटा करके, इससे अटैचमेंट हटा करके, इससे दूरी बनाने की कोशिश करेंगे, उतना ही ये बॉडी रिलैक्स होगी, माइंड रिलैक्स होगा। आंखें बंद रखेंगे, पूर्ण आनंद भाव के साथ हमारे साथ एक अंतिम प्रार्थना करेंगे। जो हो सो हो, अपने फ्यूचर के प्रति किसी भी तरीके का टेंशन नहीं पालेंगे। जो हो सो हो, अपने प्रेजेंट टाइम में जो कुछ अपने को मिला है उसे प्रेजेंट समझते हुए, गॉड गिफ्ट समझते हुए अपने लिए स्वीकार करेंगे। जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जो हो जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, जन्म कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग घबराने से क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या। अपनी दोनों हथेलियों को घिसें, आंखों पर रखें। ओम अरहम नमः। जैन योग इतिहास के इस गौरवमय क्षण के लिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी के श्रीमुख से अनायास ही निकला न भूतो न भविष्यति। अरहम ध्यान योग के अलग अलग ध्यान और सत्य देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को भी अवश्य इंस्टॉल करें। कल हम एक भावात्मक ध्यान करेंगे जो हमारे आत्मबल को बढ़ाएगा और हमें डिप्रेशन जैसे अनेक मानसिक रोगों से लड़ने की सामर्थ्य देगा। तब तक के लिए सभी को जय चिनेन। पृथ्वी को कौन घुमाएगा, किससे घूम रही पृथ्वी, लॉजिक दो कुछ। कहां से घूम रही पृथ्वी, किसके कारण से घूम रही, कौन घुमाने वाला है, कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है, कौन घुमा रहा है। हवा का घूम रहा है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है, कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है, कौन घुमाता है।
अगर कोई पृथ्वी को और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान पर भावना हो हर घर, सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें